जानते हैं कितने लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, ये जरा बताइए ना। एक आदमी के बारे में जो इतनी बात बोली जा रही है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल ही सारी बातें बता दी है। लेकिन अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं, जरा बताइए। आप समझ लीजिए जो भी है। अरे सामने से मॉडल कौन? सामने से बगल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 16 में जारी हुआ, 2016 को जरा देख तो लीजिए। ये 16 वाला है, इस कागज को देख लीजिए कि आपको ये पता चलेगा क्या कि कोई आईएएस ऑफिसर का मामला हुआ तो उसमें उसको सब दिन के लिए रहने का प्रावधान है इसमें। और कौन राज्य में है? बिहार में था। लेकिन ये बात देखा गया कि ये जब है ही नहीं इसमें तो वो खत्म कर दिया गया। और बताइए वो आदमी कितना दिन हो गया है उसका? 15 साल से भी ज्यादा उसका हो गया तो हो गया। और सब तरह से बताइए राय लेकर के किया गया है, तो एक एक चीज को आप देख लीजिए। अब सुन लीजिए कि आजीवन कारावास में बंद कैदियों की वास्तविक अवधि 14 वर्ष एवं परिहार छोड़कर 20 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत कारा से मुक्त करने का प्रावधान जो बता रहे हैं। अब आप देख लीजिए बिहार में 17 से अभी तक 22 बार परिहार परिषद का बैठक हुआ और 698 बंदियों का मुक्त किया गया। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बार केंद्र से ही आया है। समझिए कि तारीख जो होता है 26 तारीख को, 26 जनवरी को, हम 15 अगस्त को लोगों नीचे रखो, लोगों नीचे रखो, कितने लोगों को छोड़ा जाता है। अब कहाँ है केंद्र का? अब बिहार में था तब बिहार में भी इसको खत्म कर दिया गया, यहाँ इस पर नहीं होगा। क्या दिक्कत है? आप जरा बताइए कि कोई डिफरेंस होना चाहिए।